हेलो गाइस, मैंने अचानक से यहाँ से ही व्लॉग स्टार्ट कर दिया है करवा चौथ के बाद, बिकॉज मैं आई हूँ हमारा लैंड देखने, जो कि हमने लास्ट ईयर जब मेरी सिस्टर इन लॉ की मैरिज थी उसी टाइम हम देख कर गए थे, फाइनल करके गए थे कि हमें लेना है। और आज ही उसका कुछ ऑफिशियल वर्क है, रजिस्ट्री वगैरह, तो अभी हम उसी के लिए निकल रहे थे, तो हमने सोचा एक बार देख लेते हैं। तो उधर बाऊ जी, माँ जी और रवि सब लोग हैं, और एज़ा यहाँ पर जस्ट स्लीप कर रही है। एक्चुअली लैप में ही सो गई थी, तो मैंने ऐसे अभी लिटा दिया इनको ताकि थोड़ा सा रेस्ट इनको मिल सके अच्छे से। सच में इतनी ज़्यादा गर्मी है कि मैंने अपने हेयर टाई कर रखे हैं पहले ओपन किए थे, लेकिन जैसे ही बाहर निकली उड़ा मैं तुरंत हेयर अपने टाई किए। ये रहे बाऊ जी, माँ जी और रवि, और इधर ये है हमारा प्लॉट। हाँ जी, यहाँ तक बाऊ जी बिल्कुल भी गलत नहीं चाहते हैं कि हम गलत बोलें, हमारा जितना है उतना ही बताना सही है इसलिए बाऊ जी ने बोला यहाँ तक। यहाँ से लेके यहाँ गाड़ी खड़ी है पूरा यहाँ तक। बॉल बनेगी, बॉल यहाँ से बनेगी ना, इसके अंदर रहेगा, ये जैसे है नाली हो गई यहाँ पे, यहाँ हो गया। हाँ हाँ, ये आपकी चौथी है, ये इसमें आप कुछ भी यहाँ तक करा। ये सब अपनी वही प्लाटिंग की भाषा में बात कर रहे हैं, मुझे कुछ कुछ समझ में आ रहा है। आज मैचिंग मैचिंग दोनों लोगों ने पहना है थोड़ा ब्लू है ना, ब्लू और हल्का सा। अंजा, आप भी काम कराने आए हो? हम सबको कोल्ड हो रखा है, डैडा को सबसे पहले हुआ, डैडा फिर मॉमी, अंजा फीवर कोल्ड कुछ टाइम ही चल रहा है ऐसा। अंजा बेबी के मच्छरों ने काट लिया, बहुत बुरे मच्छर हैं यार सब जगह, कितना भी मच्छर से बचने के लिए ट्रीटमेंट कर लो मच्छर काट ही लेते हैं। अंजा बी केयरफुल ये फूड मम्मा आपके लिए तो पैक करके लेके आए, ये फूड देखो आपका, सो मैनी ऑप्शंस यू कैन हैव। अंजा हम भी खाएंगे, दादी भी खाएंगी, दादी से शेयर करेंगे। चम्मच वेट ऐसा का मूड बहुत जल्दी जल्दी स्विंग हो रहा है, तबीयत ठीक नहीं है, तो घर से जब हम निकल रहे थे तब भी इनका मूड बहुत ज्यादा ही अपसेट था। खैर ये थोड़ी देर बाद सो भी गई, और अभी इनका फूड टाइम है, लंच टाइम, लेट लंच टाइम। यार गर्मी बहुत ज्यादा है हमारे लिए, तो पूरा ओवरऑल बिल्कुल एटमोसफियर डिफरेंट ही है वहां से, कहाँ कड़कड़ाती ठंड थी वहां पर, यहाँ गर्म है, वाटर भी चेंज है, एटमोसफियर भी, और पॉल्यूशन भी बहुत है कई जगह, कानपुर में मेट्रो वगैरह का काम भी चल रहा है, उससे भी बहुत जगह पॉल्यूशन है। एंसा एसएन एसएन, हाँ वेरी गुड। अभी हम आ गए शोभन सरकार जो मंदिर है यहाँ, हम मैं और अभी एक बार आए हैं पहले भी, मैं शायद 2 times आ चुकी हूँ, मुझे इतना याद आ रहा है। काफ़ी अच्छा लगता है, पीसफुल है और काफ़ी स्पेसेस, तो एंजा काफ़ी इंजॉय कर रही है। तो अभी माँ बाबू जी का भी मन था कि, क्योंकि हमारा जो काम था, मैंने आपको बताया ना अभी प्लॉट वाला जो काम था, कुछ आज ऑफिशियल वर्क थे रजिस्ट्री वगैरह के, तो वो सब डन हो गए फाइनली। लेकिन सच बताऊँ मेरी लाइफ का ये फर्स्ट टाइम का एक्सपीरियंस था जब मैंने इतने पेजेस साइन किए हैं, तो बहुत अच्छी फीलिंग आ रही है। बस इसी के साथ, अपने अच्छे कर्मा के साथ हम जीवन में आगे बढ़ते रहे, और ऐसा इतना उन्नति करें कि हम दूसरों के भी काम आ सके, दूसरों को भी मदद कर सके। और साथ ही में यहाँ आके, मतलब काम खत्म होने के बाद बाऊ जी का बहुत मन था, मेरे फादर इन लॉ का बहुत मन था, पापा का, कि हम लोग यहाँ पर भी आते हैं शोभन सरकार, वो बस दर्शन किए हैं, थोड़ी देर रुके अंदर। और मेरा मेन मकसद होता है माँ बाऊ जी की खुशी में शामिल होना, ऐसा स्पेसिफिक मेरा कोई ऐसा नहीं है कि मुझे मंदिर ही जाना है, लेकिन माँ बाबू जी की खुशी से, उनकी खुशी में शामिल होना मुझे अच्छा लगता है। और आज इतना बड़ा काम हुआ है तो लगा कि दर्शन करना भी बनता है। और आपको कैसा लग रहा है सारे काम होने के बाद? हाँ, जिस प्लान से आए थे वो प्लान के अकॉर्डिंग हम काम कर रहे हैं। सो एक बड़ा काम होने के बाद आप किसी मंदिर जाओ तो अच्छा लगता है, और हम लोग काफ़ी खुश हैं यहाँ पर पापा मम्मी के साथ। नो बेबी, यहाँ के डॉगीज ना आपको भी दे देंगे अच्छा वाला प्रसाद।
हाँ वैसे तो वो खुद ही डर रहा है बट नहीं ऐसा। पापा कैसा लगा आपको? बढ़िया है। अच्छा लगा? मम्मी कैसा लगा आपको? अच्छा लगा घूम के। और इन भैया की ड्यूटी है, ये भैया मतलब जहाँ कहीं भी जाना है हमें घुमाना है कहाँ जा सकती है सारे सजेशन भैया के रहते हैं। यार यहाँ का व्यू कितना प्यारा है, बहुत सुंदर। गाय बैठी हुई है, सनसेट हो रहा है। आज है 24th of October और हम आ गए दिवाली की शॉपिंग करने। तो यहाँ पर शॉप्स वगैरह डेकोर हो गई हैं। लास्ट टाइम भी अगर हमारी आप वीडियोस देखोगे ना तो लास्ट टाइम भी हम एंजा बहुत छोटी थी, एंजा को लेके गए थे गणेश लक्ष्मी लेने और इस बार भी हम एंजा को लेकर आए। तो एंजा से टच करने की कोशिश कर रही है। आपको कौन से लेने हैं? आप जिसपे हाथ रख दोगे मम्मी पापा ले लेंगे। आप रख दो, आप कौन से लेने आपको? पचास का पचास। और यहाँ थोड़ा सा इंडोर भी रहेगा, बाहर पॉल्यूशन बहुत है मेट्रो वगैरह के काम की वजह से और गर्मी बहुत है। सब सोचा कि बेबी के साथ यहाँ कन्वीनियंट थोड़ा सा रहेगा, बेबी भी इंजॉय कर लेगी। वरना तो कोई ऐसा क्रेज इतना रहता नहीं है क्योंकि यहाँ पर आने के बाद पता मुझे क्या लगता है, मैं देसी चीज़ों को ज़्यादा से ज़्यादा देसी चीज़ों को इंजॉय करूँ। लिटरली मेरा यहाँ पे वैसे कोई मॉल या वैसे कहीं जाने का मूड नहीं होता, मतलब देसी से देसी चीज़ों को इंजॉय करूँ। तो वही है कि अभी वेदर सपोर्टिव नहीं है तो इसलिए इंजॉय करते हैं यहाँ पर आज। और यहाँ पे इधर है ये साहिल भाई मेरे छोटे देवर जी, जिन्होंने एंजा का लगेज संभाला हुआ है, एंजा का बैग कैरी किया हुआ है। आज मूड में हो पूरा एंजॉय करने के, भाभी कहाँ चलेंगे आज? मम्मी आपको डर तो नहीं लग रहा एक्सीलेटर में? मम्मी तो बड़े बढ़िया से चल ले रही है, कह रहे मम्मी को डर नहीं लग रहा एक्सीलेटर में। सास और बहू निकले घूमने, यहाँ आए और खरीदारी ना शुरू हो। यहाँ पर आ गए A6 में। अच्छा ये तो बाटा है यार, कुछ ऐसा कम्फर्ट चाहिए था इनको, थोड़ा चेंज करने का मन हुआ। प्ले कायल भाई की ड्यूटी लगी हुई है। सुधा मूर्ति मैंने बुक ऐड करी थी ऑनलाइन बट वो हट गई थी। मैंने कुछ कलेक्शन देखे, कुछ एडिशन इनके देखे हैं, एक ले लेती हूँ, ये वाली ले लेती हूँ। इसकी 2.5 लाख कॉपीज सोल्ड हो गई है, इसकी 3.5 लाख कॉपीज सोल्ड हुई है, ये वाली ले लेती हूँ फिर। ठीक है ये लाइट वेटेड भी है, ये अगर ले जाएंगे तो ये दूसरी वाली दिखा ना एंजा के लिए, स्पेशली एंजा के लिए अभी के लिए। और ये हम स्टोरीज वगैरह जैसे कुछ लिसनिंग कैपेसिटीज की बढ़ेगी इसलिए मैंने सोचा कि ये वाली लेती हूँ मैं। ये हैप्पी बेबी, बेबी भी आ गई। ये दिस इज हर फेवरेट प्लेस बेबी। अब सबके चेहरे ऐसे हो गए क्या, बस कुछ खाना है? वाह अच्छी लग रही है ये वाली, बहुत सुंदर है वो ब्लैक एंड ग्रे। मम्मी आपने क्या खाया? छोले भटूरे और बाकी प्लेट तो हट गई मंचूरियन वगैरह की। साहिल से खाया नहीं जा रहा है वेज बिरयानी और यहाँ पे हम लोग अभी खा ही रहे हैं।
कैसा है रवि? अच्छा है, जो है ना कि अच्छी है। खाना पीना हो गया है, कैसा लगा हमें खाना का क्या हुआ? अच्छा, मम्मी इंजॉय कर रही है, लेकिन मम्मी इंजॉय कर रही है, क्योंकि क्या होता है कि काम के आगे साइड इंजॉय, कैमरे के पीछे तो मेरे देवर जी ना चलते ही जा रहे हैं, चलाते ही जा रहे हैं। तो मतलब काम के बीच में ना मम्मी लोग को बहुत कम टाइम मिल पाता है, तो इस बार मैंने मतलब सोचा हुआ था कि जितने ज़्यादा कोशिश कर सकते, बाबूजी नहीं आए, वो थोड़ा रेस्ट करना चाह रहे थे बिकॉज थोड़ा फीवरिश था आज उनको, कोल्ड वगैरह, तो काफ़ी इंजॉय कर रहे हैं, छोटी मोटी शॉपिंग भी करी है एंड फूड भी इंजॉय किया है, तो अच्छा टाइम स्पेंड हो रहा है। और भाई आप बता दो एक शब्द में कैसा लग रहा है? अच्छा लग रहा है। स्विमिंग पूल आ गया, न्यू स्विमिंग पूल आ गया, न्यू स्विमिंग पूल। आर यू एंजॉयिंग नहीं, हसी मजाक चल रहा है। मैं आई हूँ यहाँ पर स्वीट्स लेने, मैंने स्वीट्स वगैरह दिवाली की ले ली है, और भी शॉपिंग वगैरह जो करनी थी वो मैंने कर ली है, बाकी सामान मैंने ऑनलाइन ही मोस्टली मंगाया था क्योंकि इतना टाइम मिलता नहीं है। और साथ में यहाँ पर भैया है साथ में, और साहिल है, और इन लोगों के साथ ही मेरी शॉपिंग चल रही है, तो स्वीट्स वगैरह यहाँ पर मैंने ले ली है, और अभी कुछ काम है वो कर रहे हैं, और एंजा है डैडा के साथ घर में, तो जब सबके गले खराब थे तो हम लोगों ने यहाँ पे सूट किया है, और बस अब आगे के काम चल रहे हैं, तो दिवाली की कुल मिला के प्रिपरेशन चल रही है, मुझे बहुत अच्छा लग रहा है प्रिपरेशन करते हुए दिवाली की। ओके, आपको भी ले लेती हूँ, इतना सजेशन है, थोड़ी मिठाई ले लीजिए, थोड़ी मतलब ये सब ग्लिम्स ले लीजिए इधर के। ये एक्चुअली साहिल मेरे देवर जी, ये छोटे देवर जी, ये सजेस्ट कर रहे थे कि आप थोड़े से ग्लिम्स ले लीजिए मिठाई के, दिखा दीजिए सबको जिसको जो पसंद हो। क्यों ऐसे ही बोल रहे थे ना आप? और साथ में गिफ्ट पैक के भी ले लीजिए, अच्छा लगेगा, मतलब वो फेस्टिव वाला फील आएगा जब लोग वीडियो देखेंगे, ऐसा सजेशन था। तो मुझे बहुत अच्छा लग रहा है शॉपिंग करते हुए। एक्चुअली सच बताऊँ तो मुझे ये लगता है कि मैं किसी मतलब मेरी जो अंदर की फीलिंग है ना, कि जैसे मैंने बोला था कि देसी चीज़ों को इन्जॉय करना, छोटी छोटी जगह जाना, ये जो ओपन शॉप्स लगती हैं यहाँ एक्सप्लोर करना, बट उनके लिए टाइम काफ़ी चाहिए। तो भाई ये सारे काम चल रहे हैं दिवाली के, घर में भी तैयारियाँ चल रही हैं और बाहर से भी जो तैयारियाँ करनी है। रवि का मन नहीं था बाहर निकलने का, तो रवि और ऐसा घर में ही है, और बस अब निकल रहे हैं यहाँ से, कुछ काम और भी हैं, तो काफ़ी काम कर लिए और मैं फटाफट काम सारे मतलब फिनिश कर रही हूँ, तो बस घर आए हैं, तैयारियाँ चल रही है, इतना बड़ा फेस्टिवल है, बस मज़े आ रहे हैं, अच्छा लग रहा है। बस थोड़ी थोड़ी तबीयत बीच में सबकी ख़राब हो गई थी, बट नाउ आई एम फीलिंग बेटर, सो आई एम डूइंग ऑल दीज प्रिपरेशन फॉर दिस दिवाली, दिस कमिंग दिवाली, दिवाली विच इज़ अ बिग फेस्टिवल, बिग इंडियन फेस्टिवल, और सब जगह बहुत अच्छा लग रहा है, रौनक है, हॉचपॉच है, लोग दिख रहे हैं, सब लोग शॉपिंग के लिए निकल रहे हैं, और धनतेरस कल है, धनतेरस को बहुत क्राउड होता है, तो मेरे लिए थोड़ा ये पॉसिबल कम होगा निकल पाना, मतलब मुझे थोड़ा सा क्राउड में प्रॉब्लम होता ही, और उतना अब हैबिट भी नहीं रहेगी, इसीलिए भैया हमेशा साथ में रहते हैं, देवर जी हमेशा साथ में चलते हैं, भाभी को कोई दिक्कत तकलीफ परेशानी ना हो, हम साथ में रहे, ये मेरा स्पेशल ध्यान रखते हैं काफी, तो इसलिए फिर मैं सोचा कि आज जो बाहर का काम है जितना भी, मैं सारा सब कर लेती हूँ फटाफट, सारी शॉपिंग वगैरह, तो काफी कुछ हमने ऑनलाइन ऑर्डर किया, कुछ चीजें थी जो मुझे लेके आनी थी स्टोर से, मतलब मॉल वगैरह से, शॉप्स वगैरह से, तो वो भी ले लिए। मुझे वो देखना था यार दिवाली की, वो नहीं होती जो उस दिन मैं बोल रही थी, डेकोर वाली, तोरण वगैरह और वो झालर वगैरह टाइप का कुछ, हाँ डेकोर वगैरह का, तो वो मैं देखूंगी, तो वो मैं लोकल शॉप से ही देखूंगी जो ओपन शॉप्स लगी होती है। बीच में मैं मम्मी से भी मिलके आई हूँ सी एस, ऐसा नहीं है कि मैं आने के बाद नहीं गई हूँ, मैं बीच में एक्चुअली मैंने वीडियो नहीं ली थी क्योंकि मम्मा की तबीयत ठीक नहीं थी, तो रैंडम हमारा बाहर का कुछ काम था, रैंडम प्लान बना कि मम्मी को एक बार मिलाते हैं,
फिर मैं आराम से बाद में जाऊंगी रहने के लिए, क्योंकि मैं उधर ही से प्रिपरेशन करके जर्मनी से सारी आई हूँ, तो अभी मुझे भी रेस्ट चाहिए और फिर सारे फेस्टिवल है तो इसलिए, और मम्मा को भी थोड़ा रेस्ट चाहिए, तो फिर मैं बाद में जाके आराम से रुकूंगी। तो आप लोग थोड़ा सा कॉपीराइट आ जाता है भाई, कॉपीराइट आ जाता है, तो म्यूजिक चला तो उसको अवॉइड करिए, कॉपीराइट नहीं आया।